पाकिस्तान की जेलों में हंगामों और जराइम के हवाले से अक्सर खबरें मिलती ही हैं, लेकिन कराची के सेंट्रल जेल इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ कैदियों को मुख्तलिफ सेहत अफजा सरगर्मियों के मौके फराहम किए जाते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कैदियों को आर्ट की तालीम दी जा रही है। ताहम इसी हवाले से सेंट्रल जेल में कैदियों की बनाई गई तस्वीर की नुमाइश भी की गई। इस मौके पर आईजी जेल खाना जाज सिंह गुलाम कादिर का कहना है कि जो इनमेट होता है या जो कैदी होता है वो अपने एहसास जज्बात का इजहार कर सकता है, जो कि अदरवाइज उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जेल में है। तो वो एक तो इजहार कर सकता है और अपनी फीलिंग्स का, दूसरी बात ये कोई फ़न सीख सकता है, ऐसा फ़न सीख सकता है जो कि अगर वो अच्छा हो तो बाहर जाके वो उसको अच्छा, एक तो अपना वो घर बैठे भी पेंटिंग्स बना के बेच के और अच्छा गुजारा कर सकता है और एक अच्छा शहरी बन सकता है। इस नुमाइश का इफ्तिताह फातिमा सुरैया बजिया ने किया, जबकि मुमताज आर्टिस्ट और समाजी कारकुन जिमी इंजीनियर और दीगर ने शिरकत करते हुए कैदियों की बनाई गई फन पारों की हौसला अफजाई भी की। यहाँ तस्वीरें ऐसी हैं जिनके बारे में आजाद इंसान या जेलों से दूर रहने वाले बड़े से बड़ा पेंटर भी सोच नहीं सकता। दो हाथ क्यों बने हुए हैं और जिस तरह कपड़ा बांधा हुआ है कोई सोच नहीं सकता उसको। मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है सेंट्रल जेल में और इससे पता चलता है कि यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनमें कितनी क्रिएटिव एनर्जीज है, कितने क्रिएटिव है, कितना खूबसूरत काम किया है। नुमाइश में मौजूद कैदियों का कहना है, एक अलग दुनिया से मैं उठ के दूसरी दुनिया में आ गया था, तो यहाँ पे हर चीज़ एक अजीब अजीब सी लगती थी, लेकिन जब मैं स्कूल में आया और यहाँ के रंगीनियों में जब मैं खो गया और इससे मेरा दिल लगा तो मुझे जेल कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जेल के अंदर हूँ। 2.5 साल हो गए हैं जेल में और इतना ही अरसा मुझे फाइन आर्ट स्कूल में हो गया है। तकरीबन 15 से 20 पेंटिंग मेरी इस एग्जीबिशन में लगी हुई हैं और मुझे खुशी हो रही है कि कुछ लोग पसंद कर रहे हैं मेरी पेंटिंग्स। 2-2.5 साल की मेरी मेहनत है। 5 साल मुझे हो गए हैं जेल में, तो मुझे फाइन आर्ट अच्छा लगा। और भी क्लासेस हैं लेकिन मैंने शौक नहीं किया, इसका शौक मुझे वैसे ही था और मजीद मैंने इधर काम भी किया और काम भी है सामने। इस हवाले से कैदियों को आर्ट की तालीम देने वाले आर्टिस्ट सिकंदर अली जोगी का कहना है कि एक मैं जब लिखने पे आया था सेंट्रल जेल में कैदियों के ऊपर मैंने लिखने, तो यहाँ मैंने मेरे माइंड में भी एक चीज़ आई कि क्यों ना मैं अपना इलम इन तक पहुँचा दूँ, तो इस तरह मेरे मैंने इंतखाब किया इसका। सेंट्रल जेल का खौफनाक तस्वर कैदी अपनी आर्टिस्टिक सलाहियतों का इस्तेमाल करके तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ जैनब सरदार, मेट्रो 1, कराची।